देखिए, आज जो हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 का चैप्टर नंबर 3 रूल करेंगे जो आप लोगों को हमेशा परेशान करता है, जिसका नाम है आरसीएम। और कल हमने आरसीएम की फुल फॉर्म भी सीखी थी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं उल्टा चार्ज करना। लेकिन कल सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन 9 पढ़ाया था सीजीएसटी का, और मैंने बोला था बिल्कुल सेम एज ऐसा ही होगा एसजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 5 का। मतलब जो बातें यहाँ लिखी वही बातें किस एक्ट में लिखी होगी, सीजीएसटी एक्ट में लिखी होगी, और वही बातें एसजीएसटी एक्ट में लिखी होगी, और यही बातें आईजीएसटी एक्ट में लिखी होगी, लेकिन उसके सेक्शन नंबर 5 में। कितने सेक्शन नंबर 5 में। क्या अलग अलग? मतलब देखो, जब तुम लोकल सप्लाई करते हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा। और पता है इंट्रा स्टेट की ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? कहाँ रिकॉर्ड होती है? सीजीएसटी एक्ट में रिकॉर्ड होती है। और इंट्रा स्टेट की कहाँ रिकॉर्ड होती है? आईजीएसटी में। तो आईजीएसटी की बात है आईजीएसटी में लिखेंगे, और सीजीएसटी की बात है हम लोग सीजीएसटी में। कल हमने सेक्शन 9 स्टार्ट करा था। क्या स्टार्ट करा था? सेक्शन 9, जिसका नाम था चार्जिंग सेक्शन। क्या था? अगर आप मुझसे आगे चल के इनकम टैक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अगर इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो फ्यूचर में आपको मैं हर चैप्टर का, चाहे वो सैलरी चैप्टर हो, चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, क्या चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले उसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ाते हैं कि वो सेक्शन बना ही क्यों। वैसे ही आज हम आपको जीएसटी का सेक्शन नंबर 9, जिसका नाम है चार्जिंग सेक्शन। क्या नाम है? लाइट चल तो रही है, नेट मेरा आ तो रहा है। चलो चार्ज चार्ज ऑन करो, चार्ज स्विच चारों है ना, चारों ने लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सीजीएसटी आईजीएसटी सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। हमने कल पहला सेक्शन बताया था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, अरे आवाज नहीं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, और मैंने बताया था इसका मतलब होता है सेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए, देयर शैल बी लेवी अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन द ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विस। और बहुत कहता है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? लोकल ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहल लीकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एंड एट द सच रेट नॉट एक्सेडिंग 20% एज मे बी नोटिफाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। कल मैंने ये पूरी बातें आपको समझाई थी। इसमें सबसे पहली बातें मैंने बोली थी कि सी जी एस सी जो एक्ट पढ़ने, उसका नाम है सी जी एस सी एक्ट। गवर्नमेंट के दो ही रूल होते हैं, एक होता है लेवी और एक होता है कलेक्शन। लेवी मतलब होता है लगाना, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। लेवी मतलब होता है लगाना और कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ये बात इसने बताई है इस सेक्शन के अंदर, और इसने कहा है कि चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, दोनों तरह मैं क्या लगाऊंगा? टैक्स लगाऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किस पर जीएसटी नहीं लगेगा? अल्कोहल लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, उसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे? सेक्शन 5 से निकालोगे, और उसका टैक्स कभी भी कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 20% से ज़्यादा नहीं। ये बात की गई सेक्शन 20 सीजीएसटी की, और यही बात किसकी अंदर की गई होगी? एसजीएसटी की। तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कितना होता है? 40%। मतलब टोटल मिला के आप लोकल ट्रांजेक्शन में कभी भी फ्यूचर में 40% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। ये बात गवर्नमेंट ने मना करी है, यह बात अपनी संविधान में लिखी है कि अगर कोई भी बंदा जीएसटी का टैक्स लगाएगा तो कभी भी 40% से ज़्यादा नहीं लगा सकता।
अगर जीएसटी काउंसिल भी चाहे तो वो 40 से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती। अगर उसे लगाना है तो पहले संविधान को चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद वो क्या लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है 20%। तो सीजीएसटी हो गया, 20% एसजीएसटी हो गया, टोटल कितना हो गया 40। क्लियर है? और टैक्सेबल टैक्स किस पर लगता है? हमेशा टैक्सेबल पर्सन। टैक्स हमेशा किस पर लगता है? टैक्सेबल पर्सन। और आप जानते हो टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जो लायबल या फिर रजिस्टर्ड टू द जीएसटी। और ये बात किसमें लिखी थी? सेक्शन 2 क्लोज 107 में। नहीं, क्लोज 2 और 107 में बताई थी, मुझे याद है, मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। क्लियर है? तो सेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 2 क्या बताता था? द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, क्या लिखा है, पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल। क्या बात है, आवाज ही निकल रही किसी की, क्या हो गया, क्या लिखा है? द गवर्नमेंट में ऑन द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पीड नॉन एज पेट्रोल नेचुरल गैस एंड एविएशन ऑयल फ्यूल शैल बी लेवी विद इफेक्ट फ्रॉम सच रेट। कह रहा है कि जीएसटी इन पांच चीजों पर तब लगेगा जब कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगा। इन चीजों पर आज जीएसटी नहीं है, लेकिन इन बातों को संविधान में नहीं लिखा। ये बातें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? जीएसटी काउंसिल के ऊपर लगती हैं। वो चाहे तो कभी ला सकते हैं और कभी चाहे तो क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पेट्रोलियम की तरह ही होता है क्विड, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा इसका। ये बातें कल लिखी थी कि जीएसटी इन पांच चीजों पर नहीं लगता, लेकिन इसको लाने के लिए कभी संविधान को चेंज नहीं करना, किसको चेंज करना पड़ेगा, काउंसिल को, अपनी एक नोटिफिकेशन निकालनी कि आज से इन चीजों पर जीएसटी लगना स्टार्ट होगी। और सबसे ज्यादा हमेशा आपने एक वर्ड सुना होगा आरसीएम, क्या सुना होगा, आरसीएम। और सेक्शन है 9 क्लोज है 3, सेक्शन है 9 क्लोज है 3, दान लिखा है द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट किसकी मंजूरी लेकर, जीएसटी काउंसिल की मंजूरी लेकर नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एंड All the provision of this act shall be applied to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to supply of goods or service or both। पता है इसने क्या बात बोली? इसने बात बोली कि कुछ ऐसी कैटेगरी और कुछ ऐसे गुड्स के ऊपर हम रिवर्स चार्ज लगाएंगे जहां हमें टैक्स के कलेक्शन में दिक्कत आएगी। सब पर नहीं लगेगा, कुछ कंडीशन और कुछ गुड्स के ऊपर बोलिए। जैसे बात करो लॉटरी, अगर आप लॉटरी बेचते हो और लॉटरी कौन बिकवाती है, गवर्नमेंट बिकवाती है, तो जो लॉटरी खरीदेगा वही गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स देगा। क्लियर? अगर आप क्या परचेज करते हो सलीम, ठीक है, कौन सा लोन, उसका अलग से बताते हैं, इसका भी बोलो, ठीक है, हेलो बोलो, पहली बात वाइन पर टैक्स नहीं लगता, वाइन पर लगता है एक्साइज और वैट। क्या लगता है? लगता है टैक्स लगती है, एक्साइज और वैट लगता है, वो नहीं लगता। जब माल बनाते वक्त कोई टैक्स दिया जाता था उसका नाम था एक्साइज, माल बेचते थे तो सेल टैक्स लगता था। क्लियर है? लगता लगता है, बिल्कुल लगता है। किसको भाई, जब तुम बेचोगे तभी तो लगेगा टैक्स। भाई इन्होंने क्वेश्चन बोला कि सर आपने इस क्लोज में बोला कि अल्कोहल पर टैक्स नहीं लगता,
भाई जीएसटी नहीं लगता, वो तो लग सकता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी पढ़ रहे हैं। हमने कहा जीएसटी पर तो नहीं लगता, लेकिन किस पर लगता है, एक्साइज तो लगता है। और गवर्नमेंट को पता है सबसे बड़ा रेवेन्यू कहाँ से आता है, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छा खासा लगता है, लग्जरी टैक्स लगता है, 28% भी कह सकते हो और ज़्यादा भी लगता है। इन चीज़ों को गवर्नमेंट का नुकसान पता है क्या है, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि तुमने आज तो ले ली, पी ली तुमने मज़े मज़े में, तुम कल ख़राब हो जाएगा तो कहाँ जाओगे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तेरे टैक्स ले लेता हूँ, तो कल तो मेरे पास आएगा ही आएगा, तो तू एडवांस में दे के चल रहा है, क्लियर है। जो आप पीते हो तो टैक्स देते हैं, अभी आप ही ने पूछा, अच्छा बस वो ये कल तेरे ऊपर चल रही थी, आज उसके ऊपर आ गए, बड़ा खुश हो गया। चलें फिर ये पढ़ लेते बात, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन गवर्नमेंट बताएगी ऐसे लोग जिनके ऊपर क्या लगाना है टैक्स। मैंने बोला कुछ गुड्स और कुछ सर्विस, देखो गुड्स को तो इग्नोर कर देना, गुड्स ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही, 4-5 गुड्स हैं। पहला गुड्स क्या है, लॉटरी, क्या है, लॉटरी। दूसरा सीज गुड्स, कौन से गुड्स, सीज गुड्स, जब तुम्हारी गाड़ी गवर्नमेंट उठा के ले जाती है, तुम ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर देते हो नॉन पार्किंग एरिया में, और गाड़ी कहाँ कौन ले गई, गवर्नमेंट ले गई, और तुम गाड़ी छुड़ाने नहीं गए, मरंदे गाड़ी का वो गाड़ी वहीं पड़ी गई, गवर्नमेंट एक साल रखा, दो साल उसकी गवर्नमेंट ने क्या कर दी, नीलामी कर दी, जो गाड़ी खरीदेगा ना वो जीएसटी पे करेगा, वो गवर्नमेंट को देगा। तो ये दो हो गए, तीसरा आपका टैबाको जीएसटी भी लगता है, जीएसटी के ऊपर सेस लगता है, गवर्नमेंट टैक्स के ऊपर टैक्स लेती है, उसे सेस बोलते हैं। तो गुड्स की हमें लिस्ट पढ़नी आई है, इसकी कहानी हम डिस्कस कर लेते हैं आज आरसीएम की। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, इसका नोटिफिकेशन का नंबर था 13/2017। क्या ऑब्लिगेशन था, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किसको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, मैं बना के भी लाया था, गवर्नमेंट ने बोला इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, पहला काजू, दूसरा बीड़ी, तीसरा क्या है हमारा, काजू हो गया, बीड़ी रैपर्स हो गए, ठीक है आपका, ठीक है लीव्स हो गई, जो तंबाकू उसकी बीड़ी होती है ना पत्ती तंबाकू की, वो हो गई, ठीक है तंबाकू लीव्स हो गए, सप्लाई लॉटरी हो गया, सेल कैन हो गया, ठीक है यूज व्हीकल हो गए, सीज व्हीकल हो गए, ये सब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर अगर आप माल खरीदते तो आपको टैक्स खुद देना पड़ेगा इन पर। क्यों, काजू किससे खरीदा जाता है, किसान से, और किसान से तुमने टैक्स ले लिया ना तो किसान क्या कर लेगा, फांसी लगा लेगा, और फांसी लगाते गवर्नमेंट की सरकार गिर जाए, क्यों, क्योंकि आज देखो हमेशा आता है किसान फांसी लगा रहे हैं, किसान का कर्जा माफ़ करो, करना चाहिए जनवर में, मैं भी कहता हूँ करना चाहिए, लेकिन मर गए तो गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट भाई किसान से नहीं लेंगे, लेकिन जो उससे माल खरीदेगा हम उससे लेंगे, किसान तो उससे ही लेते ना बंदे से, और फिर गवर्नमेंट को जमा देगा, किसान क्या पढ़ा लिखा होगा, किसान खेती करेगा रात को आके बिल काटेगा, टैक्स लगाएगा जीएसटी 18%, 5%, सिल्क यान क्या जानते हैं, सिल्क यान क्या होता है, कोई रेशम का धागा, क्लियर है। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लाई थी, आप इसे पढ़ लेना एक बार, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अब हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम लॉ पढ़ेंगे, आज तो मैं